हनुमान टेकरी आश्रम में पाठोत्सव का समापन हुआ, जिसमें श्री जानकी वल्लभ महाराज ने विराजमान होकर फूल बंगले में दर्शन दिए। वृंदावन छटीकरा मार्ग स्थित प्रसिद्ध हनुमान टेकरी आश्रम में पंच दिवसीय पाठोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के व सादगी के साथ मनाया गया। पाठोत्सव के अंतिम दिवस ठाकुर श्री जानकी वल्लभ महाराज को ठंडक प्रदान करने वाले फूलों से निर्मित बंगले में विराजमान किया गया। इस मौके पर आश्रम के महंत दशरथ राज महाराज ने बताया, आश्रम के बड़े महंत परम पूज्य रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में इस वर्ष 28वां पाठोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें ठाकुर जानकी वल्लभ महाराज को तरह तरह के फूलों से सजाए हुए बंगले में विराजमान किया गया। ठाकुर जी को आज के दिन ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुओं का भोग लगाया गया। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि इस पावन पर्व पर ठाकुर जानकी वल्लभ महाराज ठंडक प्रदान करने वाले फूलों से निर्मित बंगले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने कहा, मंदिर के बड़े महंत रामचरण दास जी महाराज के द्वारा नित्य प्रतिदिन गौ सेवा साधु सेवा की जाती है। आज के पावन पर्व पर नगर के सभी साधु संतों का स्वागत समारोह भी रखा गया, जिसमें नगर के कई विद्वान साधुओं ने आकर इस पाठोत्सव की गरिमा बढ़ाई। इस मौके पर आश्रम के बड़े महंत रामचरण दास महाराज, दशरथ दास महाराज, वृंदावन दास, शिव बालक दास, कौशलेश दास, माधव दास, अखिलेश दास, मंदिर के आदि संत गण मौजूद रहे। शुभम शर्मा, वृंदावन समाचार 24। आज हनुमान टेकरी आश्रम में श्री सीताराम जी का पाठोत्सव मनाया गया। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 28वां ये पाठोत्सव है और प्रतिवर्ष मनाने के साथ साथ में बड़े धूमधाम से दिव्य ये पाठोत्सव मनाया जाता है। और श्री साकेतवासी श्री रामस्वरूपदास जी महाराज जी के समय से ही पाठोत्सव चला आ रहा है और इसमें फूल बंगला का कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम पंचदिवसीय है और आज ये पूरा हो गया है। इसमें फूल बंगला का कार्यक्रम आज रखा गया और संतों महंतों का स्वागत रखा गया। सभी संत ब्राह्मण महामंडलेश्वर सभी संतों का यहाँ स्वागत किया गया। ठाकुर जी के दिव्य बधाइयों से पदगान से उनके सामने ठाकुर जी की पदावली सुनाया गया। ये सब संतों की साथ में रखा गया और संतों का स्वागत किया गया। आज का ये उत्सव समापन हुआ। जैसे